आठवां वो लास्ट अनुसूची है या लास्ट शेड्यूल है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने रख दिया है, बाकी तो सब बाद में आए हैं। अब आठवें में कौन है फिर? ऑफिशियल लैंग्वेज है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम था ना, तो ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी है टोटल? मूल कितनी थी? अरे 14 थी। अब इन 14 के बारे में पढ़ना है पहले, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन मूल सही नाम है, या 14 में नहीं थी, या फिर अभी की 22 में नहीं है, या भारत की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो जरा 14 की 14 भाषाओं को याद करने की कोशिश करते हैं, फिर पहले 14 फिर 1 by 1 जोड़ते हुए जाएंगे एक एक को, तो सारी 22 की 22 भाषाएं क्लियर हो जाएंगी हमारी। पहले तो 14 भाषाएं, ऐसे नहीं रैंडमली नहीं पकड़ना है, एक इलाके से स्टार्ट करते हुए आना है ताकि सारी भाषाएं दिमाग में रहें, क्योंकि ट्रिक से याद करना बहुत बुरा होता है, ऐसे याद करना है कि याद रहें। तो हम नॉर्थ ईस्टर्न से स्टार्ट करते हैं, हालांकि उन भाषाओं को छोड़ देना जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो बाद में आती जाएंगी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहली आएगी असमिया। असमिया कहाँ की भाषा हो गई? असम वाले रीजन की। तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम कुल मिला के, असम से, असम के आसपास की भाषाओं को लिखते हुए चलेंगे। असमिया के बाद हाँ बांग्ला, उड़िया और बांग्ला, ठीक हो गया। तो ये तीन उधर से हैं, असमिया, उड़िया, बांग्ला। फिर ऊपर की तरफ आ जाओ नॉर्थ वाले रीजन में, नेपाली भी शामिल है लेकिन छोड़ रहा हूँ, नेपाली नहीं लाएंगे। अब ऊपर आ जाएंगे, अब हमारे वाले रीजन में कौन कौन सी बोली जाती हैं? हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, अंग्रेजी शामिल नहीं है, ठीक है। तो हिंदी, उर्दू और संस्कृत, इतनी तो कॉमन नहीं है। हमारे आसपास के रीजन है, सबसे ऊपर कौन पड़ता है? कश्मीरी। हमारे पास में कौन है? पंजाब। नीचे कौन सा राज्य है? गुजराती। उसके नीचे मराठी है, इतने। उसके नीचे साउथ में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी भी है लेकिन जोड़ना नहीं है, मलयालम। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गई खत्म। तो ये वो 14 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में शामिल रही हैं। तो ये हो जाएगा, उधर से स्टार्ट किया असमिया, उड़िया, बांग्ला, हमारे यहाँ आए हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, नीचे चले गए मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, खत्म। अब जोड़ते जाएंगे, तो ये पहले से हैं, अब नई जोड़नी है। तो नई जो पहली जोड़ी जाएगी वो कब? 21वां संविधान संशोधन 1967, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 से एक भाषा जोड़ी गई केवल, सिंधी। अब हो गई 15, ठीक है। फिर 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, ये एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, 1992 के आसपास का ही इसका है, 1992 में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है ठीक है ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें कितनी जोड़ी? तीन जोड़ी। कौन कौन सी जोड़ी? पहली आती है कोंकणी, ठीक है, पहली आ गई कौन सी? कोंकणी। कोंकणी के बाद इसमें कौन सी जोड़ी हमने? मणिपुरी, और एक हमने जोड़ी विदेशी, नेपाली। बोडो विदेशी नहीं है, नेपाली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सब जोड़ी। अगला 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 92-2003, ठीक है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसमें चार भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, संथाली, और लास्ट जो जोड़ी गई है वो है मैथिली, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, असम वाले रीजन की होगी या कश्मीर वाले रीजन की होगी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये संथाल वाले रीजन की होगी, कॉमन चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो 14 और 1 15, ये हो गई। 15 में 3 और जोड़ो, 18 में 4, तो ये कुल मिला करके 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमको याद रखनी है, सारी की सारी। ऊपर से एक बार, असमिया, उड़िया, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पहली आ गई सिंधी, तीन आ गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और फिर आ गई बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो कुल मिला के 22 भाषाएं हमारी ये हैं, ठीक है, हो जाएंगी ये याद, आसान है। इससे एक क्वेश्चन हर बार आया है, और खासकर ऑप्शन में इंग्लिश रखा है,
तो इंग्लिश को एलिमिनेशन करना आसान है। उसके अलावा भी अगर इंडिया की कोई और लैंग्वेज पूछता है इसमें से तो हटा देना उसको, ठीक है। इनके अलावा सारी जो है वो अनऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, बाकी ये रही, ठीक है। जैसे हाँ अवधी वगैरह पूछ ले, अवधी पूछ दे, मगही पूछ दे, इसमें कहीं रख के पूछ दे, कुमाऊनी गढ़वाली कोई भी पूछ सकता है, तो वो शामिल नहीं होगी इसमें, तो उसको हटा देंगे। या कौन सी शामिल है भी पूछ सकता है, चार बड़ी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे देगा तुमको, वो हरियाणवी लिख देगा उसमें, ठीक है, दक्षिणी हिंदी पूछ देगा, तो वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अब दक्षिणी हिंदी है शामिल नहीं है, हिंदी शामिल है, दक्षिणी हिंदी शामिल नहीं है। दक्षिणी हिंदी कौन सी वाली होती है जो नीचे हैदराबाद में बोली जाती है, ठीक है, काकर रियो मियां वाली जो लैंग्वेज होती है वो है तो सही, हिंदी हिंदी है ना, लेकिन वो शामिल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो कहाँ तक पहुँच